कहीं वो औरत तुझे तो धोखा नहीं दे रही है ना? क्या? नहीं, ऐसा ही कह रहा हूं। वो एक चालबाज औरत है और चालबाज औरत ऐसा ही करती है। धोखेबाज, जालसाज, पता नहीं उसे क्या कहते हैं। चलो बच्चों, थोड़ी देर बाद आराम, अंकल से बात कर रहे ना। तुम्हें जो कुछ भी पता है बता दो। मैं घंटा तुझे कुछ नहीं बताऊंगा कुत्ते के। तुम लोग पूरे दिन इसे झटके देते रहोगे, फिर भी यह आदिमाना कुछ नहीं बोलेगा। बहुत ठीठ इंसान है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, एक बार इसके हाथ खुल जाएंगे ना, तुम दोनों की ये खोल के रख देगा। कहा था ना, देखो मैं इसकी तरह गधा नहीं हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा, बस इसे दूर रखो प्लीज। तू बक देगा? इसे मुझसे दूर रखो। देखो, सोनिया मुझसे मिलने आई थी, मैं छुट्टी पर था। उसने मुझे कहा कि किनकीट को बचाना है, ठीक है। उसके बाद इंटरपोल वाले आ गए, मुझे पता नहीं था वो लोग कहाँ से आए। उसका नाम बॉबी और नील था, या रॉबर्ट और नील। बहुत ही हरामी चीज था वो, चाहता था कि हम एक चीज खरीदे, पता नहीं वो कौन सी चीज थी, शायद ड्रग्स होगा या बम भी हो सकता है। उसके बाद हम अपने घर गए, अपने मतलब मेरे पापा के घर गए। वहां पर हमें वो जैगुआर मिली। उसके बाद हम वो लेकर निकल रहे थे, या हम भी अब मैं तुझे अपना कोई राज नहीं बताऊंगा। लेकिन हम आजाद हो गए ना? हाँ, छोड़, चल सोनिया को बचाते हैं। मुझे उसकी याददाश्त वाली कहानी पर भरोसा नहीं हो रहा है। तू अचानक सोनिया से नफरत क्यों करने लगा? वो तुझे मानती है। मैं उससे नफरत नहीं करता, वो सब कुछ सुना सुना सा लग रहा है, मूवी में या कहीं पढ़ा हो ऐसा लग रहा है मुझे। मत चलाओ इस गुफा के अंदर, आवाज गूंजती है। चल देखते हैं ये छोटी गधा क्या काम करती है। ये तो सजावट वाला आइटम लगता है मुझे, पता नहीं कहाँ सुना मुझे, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। अरे याद आ गया, उस रिसॉर्ट में जो मैं बुक पढ़ रहा था तभी तो वो आई थी। क्या याददाश्त है मेरी, क्या बेवकूफी है। लगता है चल निकल यहाँ से, गधा का काम खत्म नहीं हुआ। गधा, गधा, विद्रोह। सोनिया, सोनिया, अबे चिल्ला मत। अरे एक को बचाने के चक्कर में दो फंस गई। आ गई, नहीं नहीं नहीं, सोनिया, हे हे हे, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। तू मेरे को झूठ बोला। क्या? हनीमून का पहला रात तू कोई सुपारी नहीं लिया था। ये बात बाद में नहीं कर सकते। तू फर्टिलिटी क्लिनिक गया था ताजा अंडा लेने, क्योंकि तुझे मैं बांझ लगता है। मैं भी फर्टिलिटी क्लिनिक कोई राशन की दुकान नहीं जहां अंडे मिल जाएंगे। ये साला झूठ बोल रहा है। तुम जिंदगी भर भागना चाहते हो या तुम अपना घर बसाना चाहते हो? गुड बाय डेरियस, सब कुछ खत्म। बेबी नहीं, हमें चलना होगा डेरियस। ऐसा मत बोलो, मैं नहीं जी पाऊंगा। It'll tear your heart to pieces. And love, such a crazy thing. It'll break you down when you least expect it. Thought I knew about love. I've been deceived.